के दौरान आवाजें क्यों निकालती है महिलाएं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सेक्स के दौरान अलग अलग प्रकार की आवाजें महिलाएं निकालती है, वैसे ही पुरुष भी आवाजें निकालते हैं। आवाज निकालना ये एक दूसरे को उत्तेजित करने वाला कार्यक्रम है, मतलब एक दूसरे को उत्तेजना उससे मिलती है या उससे मालूम पड़ता है कि भाई दूसरा पार्टनर जो है वो एक्साइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको मजा आ रही कि नहीं आ रही है, तो उससे मालूम पड़ जाता है। एक ऑनलाइन डेटिंग एजेंसी के अनुसार 5000 एक्टिव यूजर्स जो उनके थे उनके ऊपर उन्हें सर्वे किया और उनको चार प्रकार के अलग अलग आवाज़ें या चार प्रकार की अलग अलग टाइप्स सेक्स के दौरान साउंड से आवाज़ें निकलती है ऐसा उनको उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। तो उन्होंने निकाला तो उसमें मालूम पड़ा नंबर एक जो है वो है मोनिंग। मोनिंग मतलब कराहना या आह भरना। तो मोनिंग जो है वो 90% पुरुषों ने स्वीकार किया, 90% पुरुषों ने स्वीकार किया कि जब उनकी फीमेल पार्टनर कराहती है, मोन करती है, आहें भरती है तो उससे उनकी उत्तेजना बढ़ती है। और वैसे ही 77% महिलाओं ने बताया कि वो खुद आहें भरती है, कराहती है और उनके पुरुष पार्टनर भी ऐसा करता है तो उनकी उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये नंबर एक है मोनिंग या कराहना या आहें भरना, ये एक प्रकार की आवाज़ या एक प्रकार उनको मालूम पड़ा ये स्टडी में। नंबर दो, कुछ लोगों ने उनको ये बताया कि गहरी सांस लेना ड्यूरिंग सेक्स। तो उनके एक्टिविटीज ने बताया कि 60% पुरुषों ने और 46% महिलाओं ने ये बताया कि गहरी सांस जब वो लेते हैं सेक्स के दौरान तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी खुद की उत्तेजना बढ़ती है और उनकी पुरुष पार्टनर की उत्तेजना भी बढ़ती है। नंबर तीन का थर्ड टाइप उन्होंने देखा उनके स्टडी में, वो है कि सेक्स करने के समय गंदी बातें करना या गंदे जोक्स करना। तो 76% पुरुष और 73% महिलाओं ने बताया कि गंदी बात करने के बाद में जब वो सेक्स करते हैं तो उनको अधिक उत्तेजना आती है और गंदी बात की आवाज़, गंदी बात के डायलॉग्स उनको उत्तेजना देते हैं। और गंदी बात में जैसे चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना या मारना या पिंचिंग करना या दर्द देना आदि उनको उत्तेजित करता है, उनको भी करता है और उनके पार्टनर को भी उत्तेजित करता है। चौथा टाइप उनको जो दिखा वो दिखा साइलेंस, कि कुछ यूज़र्स ने एक्टिव यूजर्स ने बताया कि भाई हम जब सेक्स करते हैं तो साइलेंस में रहते हैं, आंखें बंद करके साइलेंस में सेक्स होता है और वो जब साइलेंस में सेक्स करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वही उनको उत्तेजना देता है। साइलेंस में रहना, चुप रहना और बस आंखें बंद करके एंजॉय करना सेक्स को, वो उनको ज़्यादा उत्तेजित करता है बिना कुछ आवाज़ का। तो ये चार बातें उनको दिख गई कि भाई ये अलग अलग तरह की ये आवाज़ें एक दूसरे को उत्तेजित करती है सेक्स के दौरान। दूसरे एक स्टडी के अनुसार 66% महिलाओं ने ये बताया कि वो अपने पुरुष पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती है, हूँ हाँ या जो भी कुछ आवाज़ें, कहारना जो भी है। 92% महिलाओं ने ये बोला कि वो आवाज़ निकालकर रफ्तार तेज करने को संकेत देती है, तो ये सेक्स की रफ्तार तेज करो, उसको और इंटरेस्ट आ रहा है और वो संकेत देती रहती है। कई महिलाएं कुछ फेक आवाज़ निकालती है, मतलब एक्चुअली उनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है या एक्चुअली उनको कुछ नहीं हो रहा है मगर वो फेक आवाज़ निकालती है, असली आवाज़ नहीं है, क्योंकि फेक आवाज़ निकाल कर उनको ऐसा बताना है कि भाई वो इंटरेस्ट ले रही है और उसके पार्टनर को उसमें मज़ा आएगा, क्लाइमैक्स तक पहुँच जाएगा, इसलिए वो फेक आवाज़ निकालती है। कुछ महिलाएं सेक्स के दौरान हंसती है, कुछ महिलाएं ऐसी आवाज़ निकालती है कि उनको एज इफ उनको दर्द हो रहा है मगर वो दर्द ऐसा है कि वो चरम आनंद का दर्द है, संतुष्टि बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसा दर्द है, ऐसी आवाज़ वो निकालती रहती है। एक्चुअली उसको एक्सप्लेन करना कठिन है मगर इस तरह की आवाज़ वो निकालती रहती है कि वो जितनी ज़्यादा संतुष्टि हो रही है तो वो सहन नहीं कर पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ऐसी आवाज़ें वो निकालती है। बायोमेडिकल साइंटिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट रॉय लेविन, शेफील्ड यूनिवर्सिटी लंदन,
इनके अनुसार, इन्होंने काफी स्टडी किया इसके ऊपर, इनके अनुसार सेक्सुअल उत्तेजना को बढ़ाना है करके महिलाएं आवाज निकालती रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकशायर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इन्होंने एक स्टडी किया, इसमें 18 से 48 वर्ष के 71 लेडीज, 71 महिलाओं की स्टडी उन्होंने किया। और जब उन्होंने स्टडी किया तो ये स्टडी में निकल के आया कि साथी को, अपने पुरुष पार्टनर को क्लाइमैक्स पर पहुंचाने के लिए वो आवाज़ें निकालती है, कि वो क्लाइमैक्स पर जल्दी पहुंचना चाहिए और उसको मज़ा आना चाहिए, इसलिए वो आवाज़ निकालती है। 66% महिलाओं ने यह बताया कि वो आवाज़ इसलिए निकालती है कि उनके पुरुष पार्टनर का इजैकुलेशन जल्दी हो जाए। कोई भी महिला या पुरुष कोई आवाज़ निकालता नहीं है, इसका मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आवाज़ों का संबंध सेटिस्फैक्शन से भी नहीं है, कि भाई आवाज़ निकाल रहे इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहे, आवाज़ नहीं निकाल रहे इसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है। कुछ महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है ये बताने के लिए कर रही है, मगर आवाज़ नहीं निकाल रही इसका मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेट कर रही मगर आवाज़ नहीं निकाल रही है। और कुछ महिलाएं आवाज़ नहीं निकाल रही है इसका मतलब वो महिला पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आवाज़ नहीं निकाल रही है और तभी भी पार्टिसिपेट कर रही है सेक्स एक्ट में। आवाज़ निकालना और सेटिस्फैक्शन, इसका भी कोई संबंध नहीं है। मतलब आवाज़ निकाला इसका ही मतलब सेटिस्फाइड है, आवाज़ नहीं निकाला इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा भी इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ महिलाएं आँखें बंद करके करती है, कुछ महिलाएं आँखें खुल के करती है, तो इसका अलग अलग अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।